सो हाई गाइज वेलकम टू माई चैनल सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं निशान मैगनाइट जो कि निशान की आने वाली मैगनाइट है इसके कंपटीशन में और भी गाड़ियाँ आती है तो इसमें थोड़े ऐसे कुछ फीचर्स है जो उन गाड़ियों में आते नहीं है जो कि अच्छे फीचर्स है देखिए सेफ्टी के मामले में भी अच्छे फीचर्स है सो स्टार्ट द वीडियो सो फिर से बता देता हूँ वेलकम टू माई चैनल ऑटोमोटिवेश सो स्टार्ट द वीडियो सो हाई गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारे सामने है निशान की मैगनाइट जो कि निशान की एक कॉम्पैक्ट एस यू है इसके कंपटीशन में और बहुत सारी गाड़ियाँ आती है सो so, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जो उन गाड़ियों में नहीं है सो so, सबसे पहले आप देखते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ की मिलते हैं इस गाड़ी में लॉक अनलॉक सो ऐसा कुछ फ्रंट फेस है इस गाड़ी का एक एग्रेसिव लुक आता है इस गाड़ी में इसकी लाइट्स और इसका लुक्स जो है ना ये बहुत ही अच्छा लगता है तो ऐसा कुछ फ्रंट फेस मिलेगा हमें यहाँ पर निशान की बेजिंग यहाँ पर हमें छोटा सा कैमरा मिलेगा जो कि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आता है जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पर इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो कि एल ई हेडलाइट्स है यहाँ पर हमें इस गाड़ी के बम्पर पर हमें डिवाइल्स मिलती है और उसके नीचे हमें फॉग लाइट मिलती है जो कि ये फॉग लाइट भी हमें एलईडी मिलती है और ऐसा कुछ फ्रंट लुक है इस गाड़ी का यहाँ पर हमें क्रोम की बैजिंग मिलती है जो कि एक स्माइल स्माइल करते है ना और एग्रेसिव लुक भी हमें मिलता है इस गाड़ी में अब हम चलते हैं इस गाड़ी के प्रोफाइल में तो उससे पहले हम देखेंगे इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल तो ऐसा कुछ साइड प्रोफाइल मिलता है हमें इस गाड़ी का आप लोग यहां पर उनके वेबसाइट देख सकते हो इस गाड़ी में हमें ट्रायल प्रोफाइल मिलती है वो है वन नाइन्टी R16 और हमें जो एलॉयज़ मिलते हैं वो टोन एलॉयज मिलते हैं ब्लैक और सिल्वर फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक मिल जाता है हमें यहाँ पर निशान मैग्नाइट की बैजिंग यहाँ पर डुअल टोन गाड़ी है आप देख सकते हो ऊपर रूफ पर हमें ब्लैक साइड में पर ब्लैक ट्रीटमेंट और यहाँ पर कैमरा के लिए 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पे यहाँ पे हैंडल्स हमें क्रोम मिलते हैं विद ये देख सकते हो आप यहाँ पर बटन जो कि वो बटन है कीलर्स एंट्री के लिए ये टैंक इस गाड़ी की टैंक यहाँ पर मिलती है हमें तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के प्रोफाइल में तो ऐसा कुछ हरीयर प्रोफाइल मिलता है ये गाड़ी का लुक्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे पता नहीं मैं सच बात बता रहा हूँ इस गाड़ी के लुक्स बहुत ही माचो लुक्स में आते हैं इस गाड़ी में ये गाड़ी माचो लुक के साथ आती है तो ऐसा कुछ हरीयर तो प्रोफाइल मिलता है हमें इस गाड़ी में यहाँ पर डिफोगर और वाइपर के लिए यहाँ पर हमें टेल लाइट्स मिलती है वो जो ब्रेक लाइट है या जो हाई स्टॉप माउंट लैंप है वो हमें एल मिलता है रिवर्स और साइड इंडिकेटर हमें हेलोजन में मिलता है यहाँ पर बीच में निशान की बैजिंग और यहाँ पर मैग्नाइट का मैग्नाइट की बैजिंग इस गाड़ी की ये देख सकते हो आप जो आज हमारे पास वेरिएंट है वो है सी वी टी यहाँ पर हमें चार सेंसर्स मिल जाते हैं यहाँ पर इस गाड़ी के रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं हमें और ये जो आप देख सकते हो बीच में यहाँ पर हमें कैमरा मिल जाता है इस गाड़ी का ये देख सकते हो सी में ये टर्बो मॉडल है सो ऐसा कुछ लुक है इस गाड़ी का तो अब हम चलते हैं ड्राइवर डोर पर तो ऐसा कुछ ड्राइवर डोर मिलता है हमें ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पर सॉफ्ट टच सॉफ्ट टच मतलब इन द सेंस यहाँ पर एक कपड़ा है यहाँ पर विथ वाइट स्टिचिंग ये कंट्रोल्स पावर विंडोज के जैसे ड्राइवर विंडो है वो हमें ऑटो डाउन मिलेगा ये मिरर्स के कंट्रोल्स ये हमें डोर ओपन क्लोज करने के कंट्रोल्स यहां पर जो कि ओल्ड स्कूल लॉक सिस्टम मिलता है हमें सो so, ऐसा कुछ इंटेरियर है इस गाड़ी का यहां पर हमें सीट हाइट एडजस्टमेंट के लिए सीट रिक्लाइन के लिए हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर हमें ऐसी कुछ सीट्स मिलती है विथ हेडरेस्ट ऐसा कुछ इंटेरियर है इस गाड़ी का यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ बटन्स मिल जाता है जो कि ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए ये क्रूज हम लोगों ने यूज करने से पहले इसे ऑन करना पड़ता है और बाद में ये सेट होता है यहाँ पर इसे ये हेडलाइट लेवलिंग के लिए तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में तो ऐसा कुछ स्टेरिंग मिल जाता है हमें यहाँ पर मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पर क्रूज कंट्रोल्स तो यहाँ पर हमें एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो एसी, सी यहाँ पर ये यह जो हैजर्ड लाइट के कंट्रोल्स ये गाड़ी लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स ये डिफोग के लिए कंट्रोल यहां पर हमें एक स्क्रीन मिल जाती है ऐसी कुछ स्क्रीन हमें मिल जाती है ये सी वी टी गेयर बॉक्स इस गाड़ी में हमें मैनुअल का भी ऑप्शन मिलता है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन ये मैनुअल हैंड ब्रेक हमें मिल जाता है ऐसी कुछ डोर वार्निंग हमें मिल जाती है यहाँ पर हमें टेम्परेचर के लिए यहाँ पर हमें फ्यूल के लिए और बीच में हमें स्पीड के लिए ऐसी कुछ स्क्रीन मिल जाती है इस स्क्रीन में हमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का प्ले ड्राइविंग के लिए भी हमें ड्राइविंग इको। अगर आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो हमें थ्री सिक्सटी डिग्री के लिए कैमरा के लिए सेटिंग्स मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो ये थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा है जो कि इस गाड़ी की एक बहुत बड़ी यूएसपी है ये लेफ्ट के मिरर के सेटिंग्स यहाँ पर तो ऐसा कुछ हमें कैमरा मिल जाता है इस गाड़ी में जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस गाड़ी का यहाँ पर हमें नॉर्मल ऑटो डिमिंग आया भी हम नहीं मिलता है यहाँ पर नॉर्मल मिलता है हमें ये गाड़ी की लाइट्स यहाँ पर हमें कैमरा मिल जाता है तो गाइज यहाँ पर हमें वेनिटी मिरर मिल जाता है बट लाइट नहीं मिलती हमें यहाँ पर हमें वेनिटी मिरर मिलता है विथ नो लाइट ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स मिलता है हमें जो कि बहुत ही स्पेशियस ग्लव बॉक्स है आप देख सकते हो इसमें बहुत सा सामान चले जाएगा इस ग्लव बॉक्स में आप देख सकते हो कितना स्पेशियस है ये यहाँ पर हमें दो यूएसबी के लिए पोर्ट्स मिल जाते हैं एक जो कि डाउन है और एक यहाँ पर सिगरेट लाइटर का काम करता है ये यहाँ पर कुछ थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर अभी हमें थोड़ी स्पेस मिल जाती है और यहाँ पर भी यहाँ पर हमें छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है लेकिन ये ओपन नहीं होता लगता है तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट्स पर तो उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर हमें क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है जो कि आप देख सकते हो इस साइड पर भी तो ये ऐसा कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट हमें मिल जाता है डोर पर ऐसी कुछ सीट्स हमें मिल जाती है रियर सीट्स ऐसा कुछ स्पेस हमें मिल जाता है यहां पर हमें आर्म वेस्ट विथ टू कप होल्डर्स और यहाँ पर कुछ रखने के लिए जैसे कि आप अपना फ़ोन या और कुछ रख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर हमें ए वेंट्स मिल जाते हैं रियल ए वेंट्स और यहाँ पर भी सिगरेट लाइटर या आप लोग अपना फोन चार्ज कर सकते हो तो ये हाइट ऑलमोस्ट फुल पीछे है और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे लेग रूम कितना मिल रहा है अंडर था सपोर्ट भी डिसेंट है अगर आप लोग मेरा हेड रूम देखना चाहोगे तो ये देख सकते हो मुझे इतना हेड रूम मिल रहा है इस गाड़ी में आप देख सकते हो बहुत एम्पल इनफ है मुझे मुझे तकलीफ तो नहीं हो रही है तो ऐसा कुछ हेड रूम मिल रहा है मुझे यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है हमें जो कि वहाँ पर भी एक मिलती है हमें और यहाँ पर दो दो लाइट्स मिल जाती है हमें तो इस गाड़ी में फीचर्स बहुत सारे हैं जो कि डे टू डे लाइफ में आप लोगों के लिए आ, काफी है यहाँ पर टू एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ पर हमें हैंडल भी मिल जाता है विथ हुक वहां पर भी हमें हैंडल मिल जाता है और इस साइड में भी हमें हैंडल मिल जाता है विथ हुक तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के डिक्की में सो so, ऐसी कुछ हमें डिक्की मिल जाती है इस गाड़ी की बूट स्पेस ये पार्शल सेल्फ और इतना बूट स्पेस मिल जाता है हमें जो कि ये थ्री थर्टी सिक्स लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है हमें गाड़ी में जो कि बहुत ही बड़ा है आप लोग ये बूट स्पेस देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट तीन तीन तो लगे जा जाएंगे जो कि बड़े हैं और आप ये देख सकते हो यहां पर जो कि बूट बंद करने के लिए यहां पर हमें कैमरा मिल जाता है और ये दो लाइट्स तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है ये डुअल टोन में आती है यहाँ पर ब्लैक और वाइट ये एंटीना यहाँ पर हमें मिल जाता है तो क्विकली हम लोग इस गाड़ी के स्पेक्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है इस गाड़ी में थ्री थर्टी सिक्स लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है इस गाड़ी में दो इंजन ऑप्शन आते हैं जो कि वन लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और वन लीटर टर्बो इंजन, जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो सेवेंटी टू हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और जो कि टर्बो वेरिएंट है वो नाइन्टी एट तो इस गाड़ी में घे ट्रांसमिशन भी बेसिकली दो आते हैं जो कि एक मैनुअल है और सीवीटी ऑटोमेटिक इसमें आपको ई नहीं मिलता है इस गाड़ी में जो कि मैंने आपको बताया है जो कि टर्बो वेरिएंट है वो 98 एट हॉर्स पावर और 152 फिफ्टी टू एन एम ऑफ टॉक प्रोड्यूस करता है और जो नेचुरली एक्सपरेटेड है वो 72 इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे हम लोग तो इस गाड़ी में 205 हंड्रेड एंड फाइव लीटर्स आई मीन टू से टू हंड्रेड एंड फाइव एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इस गाड़ी में हमें बेसिकली फाइव वेरिएंट्स मिलते हैं जो कि एक्सी XL, एक्स वी एक्स वी और एक्स वी प्रीमियम और जो ये गाड़ी में जो ये गाड़ी हमें 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की प्रोवाइड करती है इस गाड़ी को ग्लोबल एनगैप में फोर स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ये गाड़ी सेफ्टी के साथ और लुक्स के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है ये है इस गाड़ी का लेफ्ट साइड प्रोफाइल तो जैसे कि मैंने ये आप लोगों को बताया है तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इस सेफ्टी के आ, सेफ्टी के तरफ तो इस गाड़ी में हमें ड्यूअल एयरबैग्स मिलते हैं फोर स्टार सेफ्टी रेटिंग ए बी एस विथ ईबीडी ट्रैक्शन कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिलता है हमें तो गाइज होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देखिए यहाँ पर कितनी धूप है तभी भी मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए सो so, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है मेरे चैनल को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेसिकली मेरे चैनल के वीडियो को बोल रहा हूँ मैं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना शेयर करना ना भूलिए फ्यूचर uh, में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे सो so, मिलता हो आप लोगों को ऐसे ही किसी अगले वीडियो में सो टिल देन थैंक यू सो मच